झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा समन जारी कर 3 नवंबर को कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाए जाने के मामले को लेकर यूपीए गठबंधन के नेताओं में भारी उबाल है। कल जहां सीएम आवास में यूपीए नेताओं की बैठक के बाद केंद्र और भाजपा के प्रति नाराजगी देखी गई, वहीं आज धनबाद में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं में उबाल देखा जा रहा है, जिसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता काफी संख्या में जिला अध्यक्ष रमेश टूडू के नेतृत्व में मोरहाबादी मैदान जाने के लिए रवाना हुए। बता दें कि अवैध खनन मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी कर 3 नवंबर को 11:30 बजे रांची स्थित कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसके बाद से ही झारखंड में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। एक तरफ जहां भाजपा हेमंत सोरेन पर कार्यवाही की मांग को लेकर गोलबंद हो रही है, वहीं दूसरी तरफ यूपीए के नेताओं में आक्रोश देखा जा रहा है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति पर इस प्रकार का ईडी द्वारा समन जाना दुर्भाग्यपूर्ण, क्योंकि इस प्रकार से केंद्रीय एजेंसियों का भाजपा दुरुपयोग कर रही है। सारे के सारी जनता जो झारखंड की है वो दलित है। आज पूरे झारखंड में जो आम जनता जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, आज जिस प्रकार से सरकार आपके द्वारा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा वाला कार्यक्रम चल रहा है, इसकी सफलता को देख करके केंद्र सरकार भाजपा के लोग भयभीत हो चुके हैं कि आने वाले दिन हमारा भविष्य क्या होगा। इसलिए कह के प्रकार हेमंत सोरेन जी को तकबूत करने के लिए ये लोग केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इससे पूरे झारखंड की जनता आक्रोशित है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हर अपने से अपना कार्यकर्ता आक्रोशित है। इसलिए धनबाद जिले के तमाम आक्रोशित कार्यकर्ता हम लोग आक्रोश प्रदर्शन करने के लिए रांची जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से माननीय गुरु जी से हम लोग मिलेंगे और मार्गदर्शन लेंगे। जरूरत पड़े तो हम लोग ऐसे ऐसे केंद्रीय एजेंसियों के लिए खिलाफ भी हम लोग आंदोलन करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। बस हजारों की संख्या में जा रहे हैं यहाँ, अभी तेलबंजा ब्रिज के पास सभी को यहाँ पर ठिकाना दिया गया, वहीं से हम लोग एक साथ निकलने का काम करेंगे। पूरे झारखंड से लाखों लोग आज मोरहाबादी मैदान में एकत्रित होंगे और भाजपा को ये चेतावनी है कि अगर इस प्रकार से एक चुनी हुई सरकार को दुरुपयोग करने का ये षड्यंत्र कर रही है, ये कतई बर्दाश्त यहाँ की जनता नहीं करने जा रही है। इस लेकर के भाजपा चेत जाए, केंद्र सरकार चेत जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में गांव गांव तक घुसने नहीं दिया जाएगा भाजपा के कार्यकर्ताओं को, भाजपा के पदाधिकारियों को।